हम मऊ में हैं। मऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम जिला माना जाता रहा है। पूर्वांचल की राजनीति का गणित यहाँ से चलता है, यहाँ से शुरू होता है और विधानसभा तक पहुँचता है। कई सारे बड़े नेता जो हैं वो मऊ से निकले हैं और मऊ में इस बार विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव और बीते वोटिंग फेसेस से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज मिला है, तो ऐसे में मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा सीट मऊ की ये बहुत ही अहम सीट है। यहाँ से श्री राम सोनकर बीजेपी के विधायक रहे, जिनका टिकट काट के इस बार पूनम सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी से टक्कर देने के लिए राजेंद्र राम साहब प्रत्याशी चुने गए, राजेंद्र कुमार जी प्रत्याशी चुने गए हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर वो जनसंपर्क कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रणनीति क्या है और किस तरह से जनता के बीच जा करके माहौल बनाने की कोशिश इनकी तरफ से जारी है। सर बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस विधानसभा में मौजूदा विधायक का टिकट काट करके बीजेपी ने एक नए प्रत्याशी को यहाँ से चुना है, कितनी चुनौती आपको लग रही है, क्या कुछ उनके खिलाफ रणनीतियाँ आप लोगों को बनानी पड़ी और जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जनता पूरी तरह से हमारे साथ है, हर धर्म हर मजहब के लोग हर कौम के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि 5 साल की बीजेपी सरकार की हुकूमत में, योगी जी की हुकूमत में जनता त्रस्त आ चुकी है। इस तरह से जुर्म जाति की चक्की में पीसी गई कि वो इंतज़ार कर रही थी, यूपी की जनता इंतज़ार कर रही थी, उसी कड़ी में मोहम्मदाबाद गोहाना की भी जनता उसी इंतज़ार में थी कि कब वो घड़ी आए, कब वो समय आए, ऐसे जुर्म जाति करने वाले लोगों को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और लोकतंत्र में गलती करने वाले को सजा देने का वक्त चुनाव के मौके पर आता है। जनता जो इन्होंने 5 साल जुर्म जाति की है, जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है, नौजवानों के साथ किया है, किसानों के साथ अत्याचार किया है, बेकारों बेरोजगारों के साथ अत्याचार हुआ है, मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ है, माँ बहन बेटियों के साथ जुर्म हुआ है, हर लोग इस जुर्म का बदला लेने के लिए साइकिल के सामने वाली बटन दबा करके बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पूनम सरोज प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से, पता चला है कि वो संस्कृत की प्रवक्ता भी हैं, पढ़ी लिखी हैं और बातचीत करने से ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दों को लेकर काफ़ी सजग है, कह रही हैं कि हम महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के बेहतर काम करने के प्रयास में रहेंगे। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो पूरी तरह से शिक्षा को उसी हुकूमत ने रौंद दिया, तहस नहस कर दिया, आने वाले पीढ़ियों के यानी जो बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसी पार्टी में है जिसने बर्बाद करने का ठीका ले रखा है, तो अकेले कहाँ से उसको बेहतर कर देंगी, कोई सवारा ही नहीं। ये लफादी है कि उस दल में लफादी और जुमलेबाजी से काम चलाया जाता है, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान करके कहा कि हम भाषणों की खेती और वादों की फसल में विश्वास नहीं करते हैं, जो कहते हैं उसे करते हैं, हमने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे और जनता इन सारी बातों को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के साथ, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी के साथ पूरी मजबूती से चट्टान की तरह से खड़ी है और बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से मन बना करके तैयार है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि लगातार अब मऊ में भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने अपना ठीहा बना लिया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, कल गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और बातचीत से पता चला, कुछ बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग विधानसभा अलग अलग बड़े नेता को दे दी गई है कि संभालो, सब कुछ ठीक करो। ये ठीक क्यों करो, क्या पश्चिम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है उन लोगों को, आप लोगों की तरफ से? पश्चिम में पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया है, वो सोचते हैं कि पूर्वांचल में भरपाई हो जाए और माननीय अखिलेश यादव जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने, कृष्णा पटेल जी ने, तमाम जो गठबंधन के नेता हैं मऊ ज़िले में ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है अपने गठबंधन के तरफ से, समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी, सुभाषपा के तरफ से, कि मोदी अमित शाह को घर घर प्रधानी की तरह से वोट मांगना पड़ेगा, फिर भी नहीं वो जीत पाएंगे, बीजेपी यहाँ से किसी भी सूरत में जीत नहीं पाएगी। तो ये
ये काहे कह रहे हैं कि हम इस बार फिर से 300 साढ़े 300 सीटें जीतने वाले हैं, और किसान उसान का मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे हैं, कह रहे किसानों का कोई मुद्दा नहीं, किसान हमसे बहुत खुश है, बेरोजगारों को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने तो इतना रोजगार दे दिया, कोई नाराजी नहीं है, समाजवादी पार्टी से माहौल बना है। 40 करोड़ मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया, कितने पानी के अभाव में लाख कोरोना काल में मर गए, कितने दवा के अभाव में मर गए, कितने भूख से मर गए, कितने एक्सीडेंट से मर गए। मजदूरों के साथ इतना बेहतर व्यवहार दूसरी सरकार नहीं कर सकती जो इन्होंने किया है। आगे अभी आपने कहा कि हमने बहुत अच्छा किया है, सारे मिल कारखाने बेच दिया, उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए, आज देश का 35 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर मारे मारे फिर रहा है, जिनका मुस्तकबिल अंधकार में है, जिनके हाथों को कोई काम नहीं है, पूरी तरह से बेकारी और बेरोजगारी का माहौल है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, इस जालिम हुकूमत से मुक्ति पाना चाहती है। थोड़ी सी चौड़ा हो ये सची। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि नतीजे क्या होंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से जो बातें कही जा रही कि 300 साढ़े 300 फिर से आने वाला है, समाजवादी पार्टी के नतीजे क्या होने वाले हैं, और अगर बात करी जाए मऊ की, तो मऊ में इस विधानसभा से लेकर के जो अन्य विधानसभा सीटें हैं, मऊ जनपद में 4 सीटें हैं, एक सीट है गठबंधन, एक सीट जो है मऊ सदर की गठबंधन की कड़ी में ओम प्रकाश राजभर जी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी को मिली है। यहाँ पर सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिलेगी, दूसरे लोगों की यहाँ बहनी होने वाली नहीं है। जनता से क्या अपील है उत्तर प्रदेश की जनता से और अपनी विधानसभा की जनता से समाजवादी पार्टी और अपने लिए? विधानसभा और उत्तर प्रदेश की जनता से हम लोग अपील करते हैं कि प्रदेश के सम्मानित जनता, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर से जुर्म जाति अन्याय अत्याचार को ख़त्म करना चाहते हो, बेकारी बेरोजगारी भूखमरी को ख़त्म करना चाहते हो, निःशुल्क दवाई और पढ़ाई चाहते हो, तो आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें, और सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं। शिक्षा मित्र भी पूरी तरह से तैयार हैं, टेस्ट पास बीएड स्टूडेंट भी पूरी तरह से तैयार हैं, जो समाजवादी पेंशन है इसको भी लेकर के किसान नौजवान तैयार हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सारे लोग यहाँ जात धर्म मजहब की दीवार को तोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ साइकिल की बटन दबाने के लिए तैयार हैं, और 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राशन वाशन कुछ काम करेगा? काम तो उनका कर रहा है, 5 किलो गेहूं और 500 रुपये दे करके पीठ थपथपा रहे हैं, और हम मजदूरों को जो एक दिन की मजदूरी 350 रुपये होती है, बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर की, महीने की उसकी 10,500 रुपया होती है, अब वो जान गया कि हमको किस तरह से बर्बाद किया है। अब जनता इस वाकाम में आने वाली नहीं है, उसको पता है कि अगर हम दिहाड़ी मजदूरी करके भी अगर एक महीने की हमारी मजदूरी 10,500 रुपया होती है, तो कई कुंटल गेहूँ हम कई कुंटल चावल खरीद लेंगे, और नून तेल के लिए भी हमको कुछ बच जाएगा। अगर राजगीर है तो महीने का वो 16,500 रुपया वो कमाता है, उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया 3 महीने के अंदर। अगर दस्तकार मजदूर कष्टकार मजदूर सारे तबाह हो गए, जो मजदूरी करने वाला आदमी, रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार की सख्त आवश्यकता है, इसकी तलाश करनी चाहिए, इसकी जरूरत, ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और तमाम आशा भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को, उत्तर प्रदेश का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आज जो भुखमरी का शिकार है, बड़ी आशा भरी निगाह से माननीय अखिलेश यादव जी और उनके गठबंधन के साथियों को देख रहा है, और उसे पूरा यकीन है कि हम लोग का भला कोई कर सकता है, हम लोग का उद्धार कोई कर सकता है, हम लोग को रोजगार कोई दे सकता है, हमको भुखमरी से कोई बचा सकता है। एकमात्र नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी। धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ, मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। भाई साहब, किस तरह से आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि वोटिंग आने वाले कुछ ही घंटों बाद होगी आपकी विधानसभा में भी, मऊ में भी, क्या रणनीतियां हैं, क्या तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी, आज मुझे लगा कि आप समाजवादी पार्टी की कारवा को कहीं ना कहीं आप भी देखने का काम किए हैं। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विकास आपके बीच में रहा, लेकिन 2017 में कहीं न कहीं ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर जाति धर्म मजहब को बांट करके जो भारतीय जनता पार्टी की
सरकार प्रदेश और देश में बैठी है, पूरा का पूरा अराजकता का माहौल हुआ। आपको भी देखने को मिला होगा जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 13 माह तक बैठकर धरनारत रहे। जाड़ा उन्होंने देखा, गर्मी देखा, बरसात देखा, और किसानों के साथ साथ उनकी औरतें बैठी थी, यहाँ तक कि दुदबुहे बच्चे और बच्चियाँ तक बैठ करके और उस सत्याग्रह में बैठ कर भाग लेने का काम किए। 13 महीना तक लगातार सत्याग्रह चलता रहा, और तब जा करके जब चुनावी बिगुल बजा तब जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। नहीं तो किसानों के लिए बाड़ लगाई गई, किसानों के लिए खाई खोदी गई, किसानों के लिए वो कीलें गाड़ी गई, जैसे लगता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाए हों। किसके लिए बनाया गया था? वो अपने अपने ही देशवासियों के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि मैं महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगी और महिलाओं का विकास मेरे लिए सबसे अहम है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अलग अलग सीटों पर टक्कर दे रही है बीजेपी को, ऐसे में ये साफ साबित होता है कि मोहम्मदाबाद गोहाना की इस विधानसभा सीट पर भी लड़ाई जो है वो काफ़ी टक्कर वाली है। लड़ाई काफ़ी अहम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।